कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित के बाद कुछ और बड़े नेताओं ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के खिलाफ बगावत कर दी है। आपको याद होगा एबीपी न्यूज ने आपको खबर दिखाई थी, संदीप दीक्षित ने ब्लॉग लिखकर इशारों में अजय माकन से नाराजगी जताई। तो अब कुछ नेताओं ने दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको से मिलकर अजय माकन की शिकायत की है। बताया जा रहा है कि अजय माकन के खिलाफ पीसी चाको से मिलने वालों में कुछ पूर्व विधायक और पार्षद भी शामिल थे। तो पहले संदीप दीक्षित ने अजय माकन पर हमला किया। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। आशीष, मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्या अजय माकन की? देखिए, आपसे कुछ दिन पहले ही अमन अजय माकन के खिलाफ एक आरोप दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ता ने लगाया था और बाकायदा उस शिकायत को लेकर के वो कार्यकर्ता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिला था, अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। उसके कुछ दिनों बाद आज पार्टी के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे संदीप दीक्षित ने खुल करके ये आरोप लगा दिया है। हमसे खास बात भी की और कहा कि अपने आरोपों पर कायम है और गलत नहीं कह रहे हैं। साफ आरोप लगा दिया अजय माकन की फंक्शनिंग पर कि उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की थी। उसके बाद अब से कुछ देर पहले एक डेलीगेशन बाकायदा पूर्व विधायकों और पार्षदों का मिला है पीसी चाको, जो कि इंचार्ज हैं दिल्ली के, और शिकायत दर्ज कराई है अजय माकन के कामकाज को लेकर। तो संभव है कि पार्टी को कोई ना कोई विचार इस पर करके अपना रुख इख्तियार करना पड़ेगा। अमन, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष कुमार सिंह। तो नाराजगी बढ़ रही है दिल्ली कांग्रेस के नेताओं में अजय माकन के कामकाज को लेकर।